परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास। वो हर बार कुछ इस तरह अपने गुनाहों को धो देता है, चौराहे पर आने का वादा कर टीवी पे आकर रो देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के डॉक्टर, एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्स, तमाम जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उनसे बात करते हुए भावुक हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब भावुक हुए, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने क्या कुछ कटाक्ष किया है, उधर बंगाल से महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कटाक्ष किया, उस पर भी हम जरा बारीकी से बताएंगे उन्होंने क्या क्या कुछ ट्वीट करके कहा है। लेकिन उससे पहले कब कब भावुक हुए वो जरा हम विस्तार से समझ लेते हैं। 9 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हुए जब गुलाम नबी आज़ाद जो है उनकी विदाई हो रही थी, संसद में भावुक हुए। और उसके बाद 16 जनवरी 2021 को कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ को याद करते हुए वो भावुक हो गए। और उसके बाद मई 2015 में बेलूर मठ में भावुक हुए। 2016 में नोटबंदी का जवाब देते हुए जो है विपक्ष को तब भावुक हुए। गोवा में 13 नवंबर 2016 को भावुक हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है यूनिवर्सिटी में जनवरी 2016 में भावुक हुए। सितंबर 2015 में फेसबुक हेडक्वार्टर में भावुक हुए। ये हमने जो बताया आपको, यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए, लेकिन कल उन्होंने अपने वीडियो में क्या कुछ डॉक्टर को कहते हुए रोने लगे वो जरा हम वीडियो को देख लेते हैं। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए नजर आए? क्या इस तरीके से अपने आंसू का, अपने कमी छुपाने के लिए ढाल बनाया जाने लगे, तो इसको भी हमें समझना होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में ओ दीदी कर रहे थे, तो यहां पर जो दिल्ली में शमशान में जगह नहीं मिल पा रहा था, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल पा रहा था, लाशों का अंबार लगा हुआ था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रहा था, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, एम्बुलेंस इतनी देरी से चल रही थी, उस वक्त वो चुनाव प्रचार में जो है मशगूल थे, बिजी थे। उससे पहले अब जरा हम इस बात पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि इस मुद्दे को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है वो जरा हम आपको बारीकी से बता देते हैं। क्योंकि सूर्या प्रताप सिंह आईएएस हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हुए कहते हैं कि मोदी जी जब लोग मर रहे थे तब आप बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे, भीड़ देखकर उत्साहित हो रहे थे, अब आपकी इस झूठी संवेदना और नकली आंसुओं को देश अच्छी तरह समझता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वही आगे जो है बंगाल के टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा जो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि आंख से आंसू बह रहे हैं और गंगा में लाशें बह रही हैं। वही दूसरी तरफ मैं आपको एक रिपोर्ट जो है टेलीग्राफ का बताना चाहता हूं, क्योंकि टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से जो है घड़ियाली आंसू के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है, उसमें क्या कुछ लिखा है वो भी मैं बता देता हूं। द टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों को वर्चुअल संबोधित किया, उसके बाद से ट्विटर पर क्रोकोडाइल टीयर्स यानी घड़ियाली आंसू टॉप ट्रेंड कर रहा था। अखबार ने बताया कि घड़ियाली आंसू मगरमच्छ पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, वे भोजन कर रहे होते हैं तब आंसू निकलता है, ना कि दुखी होने पर। यह टेलीग्राफ का रिपोर्ट है, द टेलीग्राफ ये बताता है कि किस तरह से जो है ये घड़ियाली आंसू किस तरह से होता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मगरमच्छ जब खाना खाता है तब वो आंसू निकलता है, ना कि दुखी में निकलता है। और उसके बाद और लोगों ने क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि मगरमच्छ निर्दोष है, इसको भी जरा समझिए। और उसके बाद जो है आगे वही एक जो है यूजर्स हैं जो अपने खलीकुल्ला अंसारी हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि मोदी रो रहे थे और जनता उन पर हंस रही थी, ये भी याद रखा जाएगा।
और उसके बाद जो है जूनियर डायमंड वो अपने फेसबुक वॉल पर जो जो है युवा पत्रकार हैं उन्होंने साफ तौर पर अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हुए शेयर करते हैं कि रोने जैसे चीज को इस आदमी ने मजाक बना दिया, अब कोई किसी की आंसुओं पर भरोसा नहीं करेगा। वाह, ये तो शायरी बन गई। लेकिन इससे पहले ये तो हमने लोगों का प्रतिक्रिया बताया, इसके बाद जब गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही थी उस वक्त सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भावुक हुए वो भी जरा देख लेते हैं। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता आपने देखा, ये 9 फरवरी 2021 की वीडियो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी विदाई हो रही थी तब रो रहे थे। अब जरा इसको भी समझिए, क्योंकि लगातार लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर जनता के सामने आकर रो दे रहे हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। देश के हुक्मरान को अस्पताल की जो जर्जर व्यवस्था है उसको ठीक किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रहा है उसको लेकर जो है बातचीत करनी चाहिए, प्लांट लगवाना चाहिए। और लोगों को किस तरह से जो है बेरोजगारी की तरफ लोग धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं उसको भी दूर किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो भी जरा देख लेते हैं उसमें क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना, न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास। आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम ना तो रोने पर भरोसा रखते हैं न रुलाने वाले पर। लेकिन जब देश में किस तरह से जो है स्थिति बनी हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में व्यस्त थे, ओ दीदी के नारे उछाले घूम रहे थे। लेकिन जब थोड़ी सी हालात ठीक हुई है, कह सकते हैं थोड़ी सी, इस बात को मैं जोर दे के कह रहा हूँ थोड़ी सी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टीवी पे आकर रो देते हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि सब स्क्रिप्टेड होता है और जब रोना होता है तो वो मास्क नहीं लगाते हैं। यह आरोप कितना सही है और आप इस पूरे प्रकरण को, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।